गुड मॉर्निंग लर्नर्स, आई एम डॉक्टर कल्पना लखेड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। आज हम बीएड स्पेशल प्रोग्राम के A3 पेपर के अंतर्गत इंटेलिजेंस नामक यूनिट का अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि बुद्धि को सामान्य भाषा में बार बार प्रयोग किया जाता है कि अमुक बालक की बुद्धि तीव्र है जबकि अमुक बालक की साधारण या मंद बुद्धि है, परंतु बुद्धि से क्या तात्पर्य है यह सामान्य प्रचलित बातों से समझ में नहीं आता। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि शब्द की व्याख्या अलग अलग ढंग से की है। फ्रीमैन ने बुद्धि की अनेक परिभाषाओं का विश्लेषण किया और कहा कि बुद्धि को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग है समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि, अर्थात एबिलिटी टू एडजस्ट। इंटेलिजेंस इज अ जनरल एडेप्टेशन टू न्यू कंडीशन एंड प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। बुद्धि जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों तथा नई नई समस्याओं के साथ अनुकूलन या समायोजन करने की सामान्य मानसिक योग्यता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने व्यवहार को इस प्रकार पुनर्गठित करता है कि वह नई परिस्थितियों में अधिक उपयुक्त एवं प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सके। बर्ट ने एक परिभाषा दी है, बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता है, अर्थात इंटेलिजेंस इज द इननेट कैपेसिटी टू अडैप्ट रिलेटिवली न्यू सिचुएशन। अब हम देखते हैं सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि, इंटेलिजेंस एज एबिलिटी टू लर्न। बुद्धि शीघ्रता व व्यापकता से नवीन ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अधिगम अनुभवों की संभाव्य व्यापकता व विस्तृतता ही उसकी बुद्धि का द्योतक है। जैसे बकिंघम के अनुसार इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, अर्थात बुद्धि सीखने की योग्यता है। डियरबोर्न के शब्दों में बुद्धि अधिगम करने की क्षमता या अनुभवों से लाभ प्राप्त करने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न और टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। अब हम समझेंगे इंटेलिजेंस इज एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अर्थात अमूर्त चिंतन की क्षमता के आधार पर बुद्धि। बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में समझा जा सकता है। बुद्धि विभिन्न परिस्थितियों में, विशेषकर उन परिस्थितियों में जिनके समाधान हेतु शाब्दिक तथा आंकिक संकेतों का प्रयोग आवश्यक होता है, प्रत्ययों, संकेतों तथा प्रतीकों का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करने की क्षमता है। जैसे कि बिनेट के शब्दों में इंटेलिजेंस मे बी कैरेक्टराइज्ड एज इन्वेंटिवनेस डिपेंड ऑन कॉम्प्रिहेंशन एंड मार्क्ड बाय पर्पसफुलनेस एंड करेक्ट जजमेंट। बुद्धि उचित ढंग से तर्क करने, उचित ढंग से निर्णय करने तथा आत्मविश्लेषक होने की क्षमता है। अब हम बुद्धि की व्यापक परिभाषा समझेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी, कॉम्प्लेक्सिटी, एब्स्ट्रैक्टनेस, इकोनॉमी, एडेप्टिवनेस टू अ गोल, सोशल वैल्यू एंड द इमर्जेंस ऑफ ओरिजिनल्स, एंड टू मेंटेन सच एक्टिविटीज अंडर कंडीशन दैट डिमांड कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी एंड रेजिस्टेंस टू इमोशनल फोर्सेस। स्टोडोर ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए लिखा है कि बुद्धि कठिनता, अमूर्तता, जटिलता, मितव्ययता, लक्ष्य की अनुकूलता, सामाजिक मूल्यों व नवीनता की उत्पत्ति से युक्त क्रियाओं को करने तथा इन क्रियाओं को
केंद्रित करने एवं संवेगात्मक दबावों का प्रतिरोध करने की आवश्यकता वाली परिस्थितियों में बनाए रखने की योग्यता है। पियाजे ने बुद्धि को अलग ढंग से समझा। उनके अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। उनकी मान्यता थी कि समय के साथ साथ बुद्धि में परिवर्तन होते रहते हैं। समस्याओं की कठिनता या उनके उत्तरों के सही होने पर जोर न देकर समस्याओं का समाधान खोजने की प्रक्रिया एवं ढंग पर जोर दिया जाना आवश्यक है। उनके अनुसार जो व्यवहार अनुकूलतम सफलता प्रदान करता है वही बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार है। पियाजे के अनुसार बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति ही बुद्धिमान है। अब हम बुद्धि के सिद्धांतों को समझेंगे। पहला है एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है और यह सिद्धांत बुद्धि मापन हेतु परीक्षण निर्माण के प्रथम 35 वर्षों में अत्यधिक प्रचलित रहा। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जिसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। बिने, टर्मेन, स्टर्न इस सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं, जबकि आधुनिक मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है। यह कारक है समान योग्यता कारक तथा विशिष्ट योग्यता कारक। उन्होंने समान योग्यता कारक को जी कारक अर्थात जी फैक्टर्स कहा। यह कारक जन्मजात होते हैं। इसे समान योग्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी मानसिक क्रियाओं में इनकी आवश्यकता होती है। विभिन्न व्यक्तियों में जी कारक भिन्न भिन्न मात्रा में पाया जाता है। दैनिक जीवन के कार्यों में जी कारक का उपयोग होता है। विशिष्ट कारकों को स्पीयरमैन ने एस कारक का नाम दिया। जो कारक अर्जित योग्यता द्वारा ग्रहण किए जाते हैं वो एस कारक कहलाते हैं। विभिन्न मानसिक कार्यों में अलग अलग विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति में विभिन्न विशिष्ट योग्यताएं अलग अलग मात्रा में होती हैं। जैसे आंकिक गणना तथा शब्द प्रवाह दोनों ही प्रकार की क्रियाओं में जी कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु इसके साथ साथ आंकिक गणना के लिए आंकिक योग्यता तथा शब्द प्रवाह के लिए शाब्दिक योग्यता का होना भी आवश्यक है। जी कारक तथा एस कारक दोनों मिलकर किसी मानसिक कार्य को संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्पीयरमैन ने जी कारक को वास्तविक मानसिक शक्ति कहा है क्योंकि यह सभी मानसिक क्रियाओं के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। तीसरा है मल्टीफैक्टर थ्योरी अर्थात बहुकारक सिद्धांत। इसका प्रतिपादन थोर्नडाइक ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। इन स्वतंत्र कारकों में से प्रत्येक कारक किसी मानसिक योग्यता का आंशिक प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी मानसिक कार्य को करने में अनेक छोटे छोटे कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। विभिन्न मानसिक कार्यों में इन छोटे छोटे कारकों के भिन्न भिन्न समूहों की आवश्यकता होती है। थोर्नडाइक ने यह स्वीकार किया कि मानसिक क्रियाओं में काफी तत्व उभयनिष्ठ होते हैं, जिसके कारण इस प्रकार की मानसिक क्रियाओं को किसी एक वर्ग में रखकर विशिष्ट नाम देना व्यवहारिक दृष्टि से लाभदायक हो सकता है। नेक्स्ट है ग्रुप फैक्टर थ्योरी अर्थात समूह कारक सिद्धांत। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, थोर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत बुद्धि के संबंध में दो पूर्णतया विपरीत विचार प्रस्तुत करते हैं। इन दोनों सिद्धांतों के बीच का सिद्धांत
समूह कारक सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन हस्टन ने किया। इनके अनुसार बुद्धि न तो मुख्य रूप से सामान्य कारक को निर्धारित करती है, द्वारा निर्धारित होती है, न ही असंख्य सूक्ष्म विशिष्ट तत्वों से मिलकर बनी है, वरन बुद्धि कुछ प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी होती है। उनके अनुसार एक जैसी मानसिक क्रियाओं में कोई प्राथमिक कारक उभयनिष्ठ होता है जो उन सभी क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक व कार्यवाहक दृष्टि से समाकलित करता है। मानसिक क्रियाओं के किसी समूह में कोई दूसरा प्राथमिक कारक होता है तथा किसी तीसरे समूह में कोई तीसरा कारक होता है। इस प्रकार मानसिक क्रियाओं के अनेक समूह होते हैं तथा प्रत्येक समूह का एक प्राथमिक कारक होता है जो उस समूह की क्रियाओं को समन्वय प्रदान करके उन्हें कार्यवाहक इकाई बनाता है। थर्स्टन तथा उसके सहयोगियों ने तत्व विश्लेषण नामक सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग करके छह प्राथमिक कारकों का पता लगाया। ये हैं आंकिक कारक, शाब्दिक कारक, स्थानिक कारक, वाक्पटुता कारक, तार्किक कारक और स्मृति कारक। अगला है हायरार्किक थ्योरी अर्थात पदानुक्रमिक सिद्धांत। फिलिप वर्मन ने सन 1960 में मानवीय योग्यताओं की संरचना प्रस्तुत करते हुए कहा कि मानवीय योग्यताएं एक क्रमिक रूप में व्यवस्थित होती हैं। इस क्रमबद्ध व्यवस्था में क्रमशः सामान्य कारक, मुख्य समूह कारक, लघु समूह कारक तथा विशिष्ट कारक होते हैं। सामान्य कारक सर्वाधिक व्यापक कारक हैं तथा सभी मानसिक कार्यों में सहायक होते हैं। सामान्य कारक को दो मुख्य समूह कारकों शाब्दिक एवं शैक्षिक योग्यता तथा प्रयोगात्मक एवं निष्पादक योग्यता में विभक्त किया गया है। इन दोनों समूह कारकों को पुनः शाब्दिक, स्थानिक जैसे लघु समूह कारकों में बांटा जा सकता है। लघु समूह कारकों को विशिष्ट मानसिक कार्यों से संबंधित विशिष्ट कारकों के रूप में विभक्त किया जा सकता है। कैटल ने सन 1963 में द्रवीकृत बुद्धि एवं घनीकृत में अंतर करते हुए कहा कि द्रवीकृत बुद्धि व्यक्ति के वंशानुक्रम से निर्धारित होती है जबकि घनीकृत बुद्धि व्यक्ति के वातावरण से संबंधित होती है। अब हम बुद्धि की संरचना को समझेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। जेपी गिलफर्ड तथा उसके सहयोगियों ने बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया। गिलफर्ड के अनुसार बुद्धि को तीन विमाओं के रूप में देखा जा सकता है। प्रथम विमा को मानसिक कार्य करते समय निहित विषय वस्तु के रूप में देखा जा सकता है। विभिन्न मानसिक क्रियाओं में चार प्रकार की विषय वस्तु निहित होती है। ये विषय वस्तु है आकृति की, सांकेतिक, शाब्दिक एवं व्यवहारिक। आकृतिक विषय वस्तु का संबंध आकृतियों या चित्रों से होता है। सांकेतिक विषय वस्तु संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों, अंकों, अक्षरों आदि से संबंधित होती है। शाब्दिक विषय वस्तु के अंतर्गत भाषा के द्वारा प्रस्तुत विचार होते हैं जबकि व्यवहारिक विषय वस्तु व्यक्तियों के बाह्य व आंतरिक व्यवहार से संबंधित होती है। गिलफर्ड के अनुसार बुद्धि की दूसरी विमा मानसिक कार्यों को करने में की निहित संक्रिया है। संक्रियाओं को चार भागों में बांटा जा संक्रियाओं को पांच भागों में बांटा जा सकता है। संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, अपरंपरागत चिंतन और मूल्यांकन। संज्ञान सीखने का प्रथम चरण है जबकि स्मरण सीखे हुए ज्ञान को धारण करना है। परंपरागत चिंतन परंपरागत ढंग से विचार करना है जबकि गैर परंपरागत चिंतन नवीन ढंग से सोचने का ढंग है जो सृजनशीलता को दर्शाता है। मूल्यांकन
उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने व निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया। गिलफर्ट मॉडल की तीसरी विमा परिणाम या उत्पादन है, जो भिन्न भिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं के साथ विभिन्न मानसिक संक्रियाओं के करने के फलस्वरूप प्राप्त होती हैं। परिणामों को गिलफर्ड ने 6 प्रकारों में बांटा। सूचनाओं की इकाइयां, इकाइयों के वर्ग, इकाइयों के संबंध, सूचना प्रणाली, प्रत्यावर्तन प्रणाली तथा निहितार्थ प्रणाली। मानसिक कार्यों में निहित उपर्युक्त वर्णित 4 प्रकार की विषय वस्तु, 5 प्रकार की संक्रियाएं, 6 प्रकार के परिणाम के आधार पर गिलफर्ड ने कहा कि कुल 120 अर्थात 4 × 5 × 6 = 120 भिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताएं हो सकती हैं, जो 120 भिन्न भिन्न कार्यों में संलग्न होती हैं। अब हम समझेंगे बुद्धिलब्धि। बुद्धिलब्धि क्या है? बुद्धिलब्धि वास्तव में मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का अनुपात है, जिसमें दशमलव बिंदु हटाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। अर्थात बुद्धिलब्धि इंटेलिजेंट कोशेंट इक्वल टू मानसिक आयु मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु के बराबर होती है तो बुद्धिलब्धि 100 के बराबर होती है। मानसिक आयु की अधिक होने पर यह गुणांक 100 से अधिक होता है। मानसिक आयु वास्तविक आयु से जितनी अधिक होती है, बुद्धिलब्धि 100 से उतनी ही अधिक होती है। इसके विपरीत मानसिक आयु के वास्तविक आयु से कम होने पर बुद्धिलब्धि का मान 100 से कम प्राप्त होता है। मानसिक आयु जितना कम होती है, इस गुणांक का मान भी उतना कम होता है। 16 वर्ष की से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बुद्धिलब्धि की गणना करते समय सूत्र में वास्तविक आयु का मान 16 ही रखते हैं। टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के साथ बुद्धिलब्धि के वितरण की तालिकाएं भी तैयार की थी, जिसमें विभिन्न बुद्धिलब्धि गुणांकों के लिए व्यक्तियों की प्रतिशत संख्याएं भी दी थी। सामान्य तौर पर किसी बड़े समूह के लिए बुद्धिलब्धि का वितरण सामान्य प्रायिकता वर्ग अर्थात नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के का अनुगमन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुद्धि का वितरण प्रकृति में एक निश्चित क्रम में रहता है। अर्थात कुछ लोग अगर मंद बुद्धि के होते हैं तो कुछ लोग बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं, बाकी सामान्य बुद्धि के लोग पाए जाते हैं। थैंक्स। स्टे एट होम। स्टे हैप्पी। स्टे हेल्दी।